हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डिजाइनर ब्लाउज। तो फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने सामने स्क्रीन पे मेजरमेंट दे दिए हैं। तो अब मैं देखिए, यहाँ से मैं लेंथ लूँगी। लेंथ मेरा है 14 इंच, 1 इंच हम प्लस करके 15 इंच लेंगे। शोल्डर लिंक 6 इंच पे इस तरह से। आर्म होल लूँगी 6.2 इंच पे। तो इस तरह से मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। चेस्ट है 36 साइज का, 36 का चौथा भाग होगा 9 इंच। तो यहाँ मैं 9 इंच ली हूँ। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे ताकि हमारा आर्म होल की गोलाई अच्छे से हो एंड फिटिंग अच्छी से हो। अब हम दोनों पार्ट को एक साथ रखेंगे इस तरह से एंड कट कर लेंगे। तो हमारा दोनों पार्ट एक साथ कट हो गया इस तरह से। अब यहाँ से नेक विथ लूँगी 2.5 इंच पे। नेक लेंथ है 6 इंच। दोनों को हम इस तरह से मिला लेते हैं। देखिए, अब नेक में जो भी आकार देना है आपको, आप दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने गोलाई दी है, गोल गले में बना रही हूँ। इधर से 3.5 इंच लेंगे, नीचे साइड से 4.5 इंच, इन साइड से 1.5 इंच। हम 2 इंच लेते हुए हम आर्म होल की गोलाई देंगे इस तरह से एंड देन कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से मैंने फ्रंट नेक की कटिंग कर लिया है। अब बैक नेक की कटिंग करेंगे। तो नेक विथ है 3.5 इंच, नेक लेंथ है 4 इंच। यहाँ देखिए, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। नीचे साइड से लूँगी मैं 5.5 इंच पे इस तरह से, और इधर से 3 इंच लेंगे। अब इधर भी हम बॉक्स बना लेंगे। अब हम गोलाई दे देंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से मैं दोनों तरफ से गोलाई दे दूँगी एंड कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ से देखिए, मैंने कट कर लिया है। ऊपर से भी हम कट कर लेंगे। तो देखिए, मैंने अस्तर का कपड़ा पूरा कट कर लिया है। मेन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए मैं कट कर लूँगी। तो यहाँ देखिए, मैं पूरा मेन फैब्रिक के ऊपर रख के कटिंग कर लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए, मैं दोनों कपड़ों को एक साथ ज्वाइन कर लूँगी। तो इस तरह से हम सभी को ज्वाइन कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेनी है। देखिए, इस तरह से हम सभी को इसी तरह से स्टिच कर लिया है। ये बैक पार्ट है। देखिए, सबसे पहले मैं टक्स पॉइंट लूँगी। तो यहाँ से देखिए, टक्स पॉइंट लिया है दोनों तरफ से एंड स्टिच कर लूँगी इसको। तो इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे दोनों तरफ से। तो देखिए, मैंने टक्स दोनों तरफ से लगा लिया है। अब मैं पाइपिंग लगाऊँगी। तो देखिए, गले के ऊपर में मैं पाइपिंग लगाऊँगी इस तरह से, पाइपिंग कपड़ा से एंड कट कट कर लेनी है इस तरह। एंड फिर डोरी की सहायता से देखिए, हम पाइपिंग बनाएंगे। तो हमारा पाइपिंग बिल्कुल अच्छे से ही बनेगा। तो यहाँ देखिए, मैंने ऊपर से पाइपिंग कंप्लीट कर लिया है। नीचे साइड से भी हम पाइपिंग लगा लेंगे इस तरह से। देखिए, इस तरह से डोरी को अंदर रखनी है एंड स्टिच कर लेनी है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा ली। अब हम एक पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए, इस तरह से पट्टी लगा लेनी है दोनों साइड से एंड पलटते हुए ऊपर से स्टिच कर लेनी है इस तरह से। अब हम अंदर की ओर मोड़ते हुए स्टिच करेंगे। आप इसे तुरपाई भी कर सकते हैं फिनिशिंग देने के लिए। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो यहाँ देखिए, लेंथ लूंगी मैं 10.5 इंच पे। टोटल रखनी है हमें 9.5 इंच। नीचे से लेंगे 8 इंच। दोनों को इस तरह से हम गोलाई देते हुए मिला लेंगे। तो देखिए, इस तरह से कटिंग कर लूँगी मैं। इधर भी गोलाई दे देंगे इस तरह से एंड मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरह से रखना है एंड स्टिच कर लेनी है।
देखिए इस तरह से मैं कट कर लूँगी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। एंड कट कट करते हुए हम देखिए इस तरह से पलट लेंगे एंड स्टिच कर लेंगे ऊपर से। तो इधर से मैं देखिए स्टिच कर लिया है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दोनों स्लीव्स स्टिच कर लिया है। अब यहाँ मैं नेट का फैब्रिक लूँगी तो उसे देखिए इस तरह से मोड़ते हुए हम स्टिच कर लेंगे। यहाँ से मैं इसे चुन्नट बना लूँगी इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए चुन्नट बना लेनी है। तो देखिए इस तरह से मैं चुन्नट बना लूँगी। तो इस तरह से देखिए मैं नेट का फैब्रिक है उसको इस तरह से अटैच करूँगी। तो हम इस तरह से देखिए फोल्ड बनाएंगे इधर से। फ्लावर हमें अच्छे से बनानी है देखिए इस तरह से, और हमें जो सेंटर बीच है उसे ही स्टिच करनी है इस तरह से। देखिए इस तरह से मैं स्टोन बटन लगा लूँगी। तो मेरा यहाँ स्लीव्स बनकर तैयार हो गया है। अब हम पट्टी ज्वाइन करेंगे। तो देखिए इस तरह से पट्टी दिया है इसमें, हम उसी को ज्वाइन करेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स कंप्लीट कर लिया है। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से हमने दोनों स्लीव से कंप्लीट कर लिया है। अब मैं एक पट्टी लूंगी उसे हम देखिए इस तरह से सामने से हम तिरछी स्टिच करेंगे। इस तरह से दोनों पट्टी को हम स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे, पलट लेंगे इसको। तो देखिए इस तरह से मैं पलट लूँगी। अब यहाँ से हम स्टिच करेंगे इसको। तो देखिए इधर से स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से हम इधर भी हम ज्वाइन कर लेंगे पट्टी को। तो देखिए इधर भी हमने ज्वाइन कर लिया है। तो आप देख सकते हैं इसका लुक कुछ इस तरह से आएगा। अब यहाँ से मैं पिनअप करूँगी देखिए इस तरह से। फर्स्ट एंड बैक पार्ट दोनों को हम एक साथ ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ से मैं नेक से ज्वाइन कर लूँगी दोनों तरफ से। देखिए मैंने ज्वाइन कर लिया है इस तरह से। हम एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने कट कर लिया है। तो अब देख सकते हैं अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स में सामने की ओर हम कट कर लेंगे एंड सेंटर से रखते हुए ज्वाइन करेंगे इसे। तो इस तरह से देखिए मैंने स्लीव्स ज्वाइन कर लूँगी। तो देखिए इसी तरह से मैंने इधर भी स्लीव्स से ज्वाइन कर लिया है। अब दोनों को हम एक साथ रखते हुए अटैच करेंगे। तो यहाँ से देखिए मैं स्टिच कर लूँगी दोनों साइड से। हम इसी तरह से स्टिच कर लेंगे देखिए इस तरह से। अब सेंटर से हम कट करेंगे, बैक साइड हम ऊपर रखेंगे। तो यहाँ देखिए हुक एंड आई पट्टी लगा लेनी है। तो यहाँ से मैं आई पट्टी लगा लूँगी एंड इसी तरह से हम हुक पट्टी भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए हुक पट्टी भी मैंने तैयार कर लिया है। यहाँ से आप जितना भी आपका मेजरमेंट है उसी के हिसाब से आप नाप लगाइएगा।
आपने यहाँ से देखिए मुँह की आई पट्टी लगा लेनी है। ऊपर से मैं बटन स्टिच करूँगी स्टोन बटन ताकि इसका लुक अच्छा लगे। इस तरह से सुई धागा से अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरा आज का वीडियो कैसा लगा? फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।